कभी कभी लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अन्याय कर देता हूं, बेसब्री मेरी और मुसीबत आपकी। सैल्यूट आपके परिश्रम को। इंडिया इज ऑन द मून। बेसब्री हावी हो जाती है। इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। इतनी बेसब्री, मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस का कार्यक्रम था तो वहां चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था। लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अन्याय कर देता हूं, बेसब्री मेरी और मुसीबत आपकी। इतनी सवेरे सवेरे आप सभी को, और इतना ओवर टाइम, लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं आपको नमन करूं। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को। सैल्यूट आपके धैर्य को। सैल्यूट आपकी लगन को। सैल्यूट आपकी जीवटता को। सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। इंडिया इंडिया इज ऑन द मून। We have our national pride placed on the moon. हम वहां पहुंचे
जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। इक्कीसवीं सदी में यही भारत दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है, जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में, पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है, वो पल अमर हो गया। वो पल इस सदी के सबसे प्रेरणादायी क्षणों में से एक है। हर भारतीय को लग रहा था कि विजय उसकी अपनी है, खुद महसूस करता था। हर भारतीय को लग रहा था कि जैसे वो खुद एक बड़े एग्जाम में पास हो गया है। आज भी बधाइयां दी जा रही हैं, संदेश दिए जा रहे हैं, और ये सब मुमकिन बनाया है आप सबने, आपने। देश के मेरे वैज्ञानिकों ने ये मुमकिन बनाया है। मैं आप सबका जितना गुणगान करूं वो कम है, मैं आपकी जितनी सराहना करूं वो कम है। साथियों, मैंने वो फोटो देखी जिसमें हमारे मून लैंडर ने अंगद की तरह चंद्रमा पर मजबूती से अपना पैर जमाया हुआ है। एक तरफ विक्रम का विश्वास है तो दूसरी तरफ प्रज्ञान का पराक्रम है। हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पद चिन्ह छोड़ रहा है। अलग अलग कैमरों से ली गई जो तस्वीरें अभी रिलीज हुई और मुझे देखने का सौभाग्य मिला, वो अद्भुत है। मानव सभ्यता में पहली बार धरती के लाखों साल के इतिहास में पहली बार उस स्थान की तस्वीर मानव अपनी आंखों से देख रहा है, और ये तस्वीर दुनिया को दिखाने का काम
भारत ने किया है। आप सभी वैज्ञानिकों ने किया है। आज पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है। VK News, राष्ट्र के नाम।